नमस्कार दोस्तों, अर्ली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। दोस्तों, आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके फाइनेंस की खबर के लिए, बैंकिंग की जानकारी के लिए सारे चीज़ हम आपको प्रीमियम क्वालिटी का और बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपके लिए लेकर आते हैं डेली। तो आपका भी फ़र्ज बनता है दोस्तों, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर देना ताकि सभी को जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आपको जो बताएंगे जानकारी, इसको सुनने और देखने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दिल बाग बाग होने का मतलब हुआ दोस्तों, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि आप इससे पहले कभी इतना खुश होंगे, हुए ही नहीं होंगे। दोस्तों, यदि आप लोन लेते हो, लोन लिया है आपने किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से, किसी वेबसाइट से, तो वो कंपनी, उन सभी कंपनी का अब क्या होगा और उन कंपनियों पे, लोन एप्लीकेशन पे आरबीआई की बहुत बड़ा हंटर चला है, बहुत बड़ी कार्रवाई करी है आरबीआई ने। तो जितनी लोन एप्लीकेशन कंपनी हैं, लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी हैं, सभी में खलबली मच गया है, सभी में हड़कंप मच गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम प्रूफ भी दिखाएंगे आपको, आरबीआई की कार्रवाई भी दिखाएंगे, न्यूज भी दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अर्लीवुड ही एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जिस पर आपको 100% सही और 100% ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो चलो दोस्तों, दिखाते हैं आपको आरबीआई ने कार्रवाई क्या करी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप न्यूज़ देख लो, न्यूज़ देख लो आप। यहाँ पे ये देखिए न्यूज़ है, लोन एप्लीकेशन आप खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। गूगल पे जाना, लोन एप्लीकेशन सर्च, लोन ऐप डालोगे तो यहाँ पर न्यूज़ में आके आपको यहाँ पे दिखेगा, मल प्रैक्टिस फोर्सेस आरबीआई टू क्रैक डाउन ऑन लोन ऐप। ये अभी ये देखो 9 घंटा पहले, यानी ये आज की ही अपडेट है, आज की ही न्यूज़ है। अब कहोगे सर 9 घंटा पहले, अभी लाइव दिखा दो टाइमिंग क्या हो रहा है। अभी देख लो, ये लाइव टाइमिंग हो रहा है, 4:27 हो रहा है 25 जून को। ठीक है, 4:27 25 जून है, आज थर्सडे गुरुवार है, और हम आपको ये 9 घंटा पहले यानी आज का ही बता रहे हैं खबर। अब इस पर अपडेट क्या है, जो बैंक और कुछ बैंक्स हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं, कुछ एनबीएफसी कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, अपने कस्टमर को क्या करते हैं, ये लॉकडाउन जो लगा था इसमें बहुत सी लोन कंपनी, एप्लीकेशन, एनबीएफसी, कुछ बैंक भी शामिल थे जो कस्टमर को ब्लैकमेल करते थे, हरासमेंट करते थे, गलत तरीके से उनका पर्सनल डाटा एक्सेस करते थे। पर्सनल डाटा एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ, आप मोबाइल में लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आपने लोन लिया उनसे, और वो आपको इंटरेस्ट किस रेट पे वो चार्ज कर रहा है, वो डेली उनका इंटरेस्ट लेने का क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आरबीआई के पास बहुत बड़ी मात्रा में कंप्लेन आया। ठीक है, और इस पे इनसे रिलेटेड कंप्लेन आप लोगों ने भी कंप्लेन किया अर्लीवुड पे, तो हमने आपको कंप्लेन का सॉल्यूशन बताया, जो आप आरबीआई को किस तरह से कंप्लेन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस विषय में, तो हमने आपको बताया था। तो आप लोगों ने उसके तहत भी आपने लोगों ने कंप्लेन करी आरबीआई में, तो अब आरबीआई देखो आरबीआई ने उस पर कार्रवाई करी है। ठीक है, आरबीआई ने कार्रवाई करी है, और आरबीआई ने 24 तारीख को यानी कल के डेट में, एक बीते हुए कल में एक नोटिफिकेशन निकाली। ठीक है, अब नोटिफिकेशन क्या निकाली दोस्तों, ये नोटिफिकेशन का बस हम आपको सिर्फ एक लाइन बताएंगे, उसके बाद आपको झलक मिल जाएगा उस नोटिफिकेशन के बाद, जो आरबीआई आखिर लोन एप्लीकेशन, आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है, इनसे कुछ बैंक में और एनबीएफसी कंपनी लोन एप्लीकेशन में हड़कंप मच गया। ये देखो नोटिफिकेशन है 24 जून का, यानी कल का, बीते हुए कल का, ये सभी बैंक और एनबीएफसी हाउसिंग कंपनी में भी है, को भी बताया गया है। ये देखिए, एनी वायलेशन इन दिस रिगार्ड बाय बैंक और एनबीएफसी कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड टू ऑपरेट ऑन डिजिटल ओनली। डिजिटल ओनली का मतलब हुआ वही लोन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो लोन देता है। ठीक है, और ऑन डिजिटल एंड ब्रिक मोर्टार चैनल। ठीक है ना, तो ये सर इसका मतलब ये एक ही लाइन में समझ लो, डिजिटली ऑनलाइन जो आपको फ़ोन करके बताते हैं, जो आपका, आपके पास ऑफर है, ठीक है, आपको खाते में तुरंत आ जाता है, पैसा आ भी जाता है तुरंत। ठीक है, लेकिन ये सारा चीज़ ऑनलाइन। अब देखो, आपके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो आपको बस
कुछ ही डिटेल देगा, पूरा लोन का एग्रीमेंट नहीं देता है वो। तो इन सब चीज़ों को लेके आरबीआई के पास बहुत बड़ी मात्रा में कंप्लेन आया। फिर वो आपसे रिकवरी करने के लिए डेली बेसिस पे, यानी डेली का डेली आपके ऊपर है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट लगाता है। तो उससे उन्हीं को लेके आरबीआई ने सबको, जितनी भी एप्लीकेशन कंपनी है, लोन कंपनी है, बैंकिंग है, सबको नोटिफिकेशन जारी किया जो तुम लोग सुधर जाओ अब, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, माल प्रैक्टिस फोर्सेस आरबी टू क्रैक डाउन ऑन लोन ऐप, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, अब जो है आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। लेकिन यदि अब आरबीआई के पास कोई भी किसी भी तरह का कंप्लेन यदि पहुंचता है कस्टमर की तरफ से, तो आरबीआई इतनी सख्त डिसीजन लेगा जो इन सभी एप्लीकेशन कंपनी को बंद करके इन लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट से। तो अब आप लोगों को मुझे लगता है जो ये सभी लोन कंपनी आपको परेशान नहीं करेगी। यहाँ पे आप देखोगे भी ना, तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है रिपोर्ट, ये देखो, आरबीआई गाइडलाइंस कम्स आफ्टर रिपोर्ट दैट ऐप बेस्ड लेंडर आर यूजिंग अंडरहैंड मेथड, मतलब उल्टे पुल्टे तरीके और रिकवरी ऑफ लोन्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन के, मैं बताया ही हमने आपको ये सब, बहुत लोगों को ब्लैकमेल करके, रिकवरी थ्रेटनिंग करके, एजेंट से धमका के, फिर इधर उधर करके, डिफॉल्ट होने का धमकी देके, ये सारा चीज़ करके उनसे पैसे वसूलना। तो इन्हीं सब चीज़ों पे, और ये क्या करता है जो ये ना तो कोई डॉक्यूमेंट देता है, ना कोई आपको एग्रीमेंट देता है जो लोन आपने कैसे दिया, किस रेट पे दिया, कैसे आप इंटरेस्ट चार्ज करते। तो अब आरबीआई ने इनको बोला, आप सही तरीके से जो काम करना सीख लो, सही तरीके से काम करो, और ज़्यादातर एनबीएफसी और लोन ऐप के केस में। तो आरबीआई इतनी सख्त हो गई है, अब ये सभी एप्लीकेशन कंपनी डर गई है, ठीक है ना, अब डर गई है, तो अब उनका मार्केट का क्या होगा। तो अब आप लोगों, यदि आप लोग ने ऑनलाइन लोन लिया है आपने एप्लीकेशन से, तो अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो अब लोन एप्लीकेशन कंपनी कोई भी इधर उधर करने का नहीं सोचेगी। यदि करती है तो आरबीआई के पास बस कंप्लेन कर देना, जो हमने बताया था कंप्लेन करने का तरीका यहाँ से, और ये कंपनी का फिर हुलिया टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हुलिया टाइट होने का मतलब इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, और फिर आरबीआई हालत कैसे ख़राब करेगी इनका हालत ऐसे ख़राब करेगी, इनकी लाइसेंस कैंसिल कर देगा, फिर इनके ऊपर जुर्माना लगाएगा, फ़ाइन लगाएगा, तो ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर लेना यार, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी तो कम से कम कर लिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी जानकारी देते हैं, कौन आपको इतनी सारी जानकारी देगा, तो सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।